आतिफ क्या कर रहे हो? मैं काम कर रही हूँ। फिर मैं अगर मस्ती करूँगी ना फिर भागना नहीं। जाओ फेंको ये लोग। माय नेम इज आतिफ मलिक। माय नेम इज नौरीन अख्तर। ये सही नाम है इसका। आई एम अ बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड जो है ना, पता है क्या मसला है? मेरा आइडियल कोई भी नहीं है ना, मुझे कोई अच्छा लगता है ना ये और ना वो। हाँ, सिर्फ अदनान समी जी के गाने अच्छे सुनती हूँ शौक से। ये तो मैं मलिक साहब को चिढ़ाने के लिए बोल रही होती हूँ। चिढ़ जाते बोलते जेम्स बॉन्ड के नाम से चिढ़ जाते हैं ना, इस वजह से मैं बोल रही होती हूँ आई एम अ बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, वरना ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है। नहीं, फिल्में तो अच्छी होती हैं उसकी, तो सब दिल की बात कभी कभी मुंह पे आ ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो जी आज मैं पता है क्या कर रही हूँ? मैं ये कर रही हूँ कि मैं बना रही हूँ अपने व्लॉग के लिए एक जगह। क्या है ना, यहाँ मुझे अपनी कोई खुल के लोकेशन मिल नहीं पाती वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा ये कोना जो है ना बेस्ट रहेगा मेरे व्लॉग बनाने के लिए। यहाँ पूरी छत के ऊपर जो होता है ना धूप आई हुई होती है। ये कोना ऐसा सेव होता है यहाँ पे धूप नहीं आती, इसलिए मैंने बोला इसको पूरे को सफाई सुथराई करके तो मैं एक मखसूस जगह रख लेती हूँ अपने व्लॉग बनाने के लिए। यहाँ बैठकर मैं बातें कर सकती हूँ, आप लोगों के साथ कोई भी काम कर सकती हूँ आराम से सुकून से। तो मैं भी सफाई कर रही थी ना, तो मैंने आतिफ को बोला चलो आतिफ हम लोग बनाते हैं एक व्लॉग। अभी आप लोग मेरे कैमरा मैन से सलाम दुआ कर लें, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। सही, ये मेरा डायरेक्टर और कैमरामैन मिली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आज मम्मा ने मेरे को दोबारा बली का बकरा बना दिया, क्योंकि अभी मम्मा ने बोला बड़े दिनों से काम नहीं कर रहे हो ना, सारे दिनों का बदला आज निकालो। मम्मा ने ये बोला मेरे को। शुरू में आप लोगों को बताता, आप लोग हंस के पागल हो जाते हैं। काम चलो, आपने मेरा मास्क वहाँ रखा हुआ है, उठा के ला के तो दो, आपने लगाना था। चलिए जी, अभी हम 1 2 3 स्टार्ट करने वाले। सही है बेटा, ये बीच में आएगी, इसको साइड पे गुदा रख के आएगी। तो मैंने आपको बोला कि हम 1 2 3 स्टार्ट करने वाले। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मास्क लगाने के बाद प्लीज़ बात नहीं किया करें। आतिफ बेटा नीचे बैठो, आप इससे होगा बाल का ऐसे नहीं, ऐसे ही होगा। अरे हमारी यार इस साइड से ऐसे होगा। हाँ। शाम का टाइम है ना, तो मैंने बोला इस टाइम पे काम हो जाएगा बहुत आसानी से, फिर अभी इसीलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। यहाँ पे मुझे इजी होगा व्लॉग्स बनाने में। मैं आप लोगों को ये बात बता रहा था कि अभी शाम हो गई है, कशीबाजी आने वाली है। हम लोगों ने पहले से एक व्लॉग सोच के रखा हुआ है, ताकि जब वो आए फौरन हम लोग बोले चलो कशीबाजी व्लॉग बनाओ वो चिढ़ के दोबारा वैसे ऐसे बने। वैसे भी ना ये बच्चों का प्ले टाइम होता है मेरे पास, शाम का टाइम। ये आतिफ अपनी पढ़ाई से फारिग हो जाता है, कशिश अपने कामों। बेटा आप खाली करके आओ ना। कशिश अपने कामों से फारिग हो जाती है, ये अपनी पढ़ाई से फारिग हुआ हुआ होता है। और मुझे भी जो अपने चैनल पे जो काम वगैरह होता है ब्लॉग्स बनाने, वो मैं दिन के टाइम पे बनाती हूँ ना, सुबह में या दिन में। तो वो सारे यानी कि हम लोग तीनों इस टाइम पे बिल्कुल इजी हो जाते हैं अपने कामों से। तो इसी वजह से ये टाइम जो है ना हमें बहुत सूट करता है, अगर हमें फैमिली ब्लॉग बनाना हो तो। सिर्फ आतिफ को लाना हो तो आतिफ को तो मैं दिन में भी ले आती हूँ, लेकिन अगर बच्चों को दोनों को लाना हो ना तो फिर इनके लिए मुझे शाम को इंतजार करना पड़ता है। ये असल में हमारा होता है प्ले टाइम। अभी ये जगह इसीलिए खाली कर, ये जगह हम लोग इसीलिए खाली कर ताकि यहाँ पर कंबल बिछा के आराम से खेल सकें। मैं आतिफ को भर भर के दे रही हूँ और आतिफ वहाँ खाली कर करके आ रहा है। पीछे छज्जा है ना, उस पर फिकवा रही हूँ। इससे ये मैं इस वजह से यहाँ फिकवा लेती हूँ ना कि जितना भी यहाँ पे माल जमा हो रहा है ना यानी कि हमारा लिए मलबा जो जमा हो रहा है वो नीचे हमारा जो मेन गेट है ना उसके आगे सारा मलबा फेंक के तो उधर भी फर्श करने का इरादा। वो तो खैर मलिक साहब खुद करेंगे या मजदूर लगाएंगे, आई डोंट नो। चलो ये कम तो है शौक से। ये तो मैं मलिक साहब को चिढ़ाने के लिए बोल रही होती हूँ, वो चिढ़ जाते, बोलते जेम्स बॉन्ड के नाम से चिढ़ जाते हैं ना, इस वजह से मैं बोल रही होती हूँ आई एम अ बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वरना ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है। नहीं फिल्में तो अच्छी होती हैं उसकी, तो दिल की बात कभी कभी मुँह पे आ ही जाती है। आतिफ बेटा किचन में रख के आ जाओ, खुद किचन में स्लैब के नीचे रख देना, सही जाओ। बेटा आपने ये कैसे फेंका, सारी डस्टिंग कैमरे पे आई होगी। अब जरा चेक करके मेरी वीडियो का रिजल्ट तो खराब नहीं हो रहा। रिजल्ट खराब नहीं है पर लेकिन लोकेशन खराब हो गई। अब सही है? हाँ अब सही है। ये अभी सफाई सुथराई करके मैं जगह धो दूंगी ना, तो फिर मुझे क्या करना होगा, सिर्फ जब भी यहाँ पे कुछ भी करना होगा तो सिर्फ पोछा मारूंगी और हो जाएगा साफ सुथरा। चलो सफाई अच्छी आती है ना, इससे मजेदार। यहाँ से दीवारें भी झाड़ देती हूँ ना आतिफ। हाँ सही बात है। भाई जबरदस्त काम हो गया। कम से कम यहाँ पर वो तो होगी ना, सफाई लग गई दीवारों पे। चलो ओके काम हो गया, वीआईपी काम हो गया। वीआईपी काम तो बोलना मैं भूल गया था। ओह आपने बाल्टी कहाँ रखी बेटा? अम्मा इधर ही पड़ी है। खाली नहीं करी हुई आप? खाली ये कैसे करता है? आपने झाड़ू भी मंगवा लिया था। इधर नहीं, थोड़ा इस तरफ, चादर की तरफ होगी। हाँ बस, कम से कम यह जगह भी साफ हो गई ना। मम्मा बोलती हैं जब जब सर्दियाँ आएंगी ना आगे, तो मैं अगले साल जब सर्दियाँ आएंगी तो तेरे को मैं यहाँ पर एक कमरा बना के दूंगी इसी जगह पे। मैं सुन के आज तक खुश हो गया था मुझे, मेरी माँ मेरा कमरा बना के देगी। मैं आपको यही बता रही थी अभी कि यह जगह जो है ना एक छोटे से कमरे के लिए ही इनके पापा ने छोड़ी हुई थी। जिस टाइम पे ये वाला वॉशरूम बना रहे थे ना, तो उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने मुझसे पूछा कि इस वॉशरूम का दरवाज़ा उस तरफ से निकालना चाहिए या इस तरफ से। तो मैंने उनको आइडिया दिया, मैंने बोला अगर आप इस वॉशरूम का दरवाज़ा उस तरफ से निकालेंगे ना, तो हमें यह सहूलत हो सकती है कि आगे फ्यूचर में जाके हमें इस जगह को कमरे के यूज़ में लेना हो या स्टोर के यूज़ में या किचन के यूज़ में, तो हम ले सकते। ये प्लानिंग थी हमारी। वैसे देखो फ्यूचर में इसको कमरे बनाने का इरादा था, हो सकता है बना लें। आप डर रही थी? दो इधर। मैं समझा आप डरी नहीं। डरी मैं आऊंगी ना, फिर मस्ती होगी, फिर देखना क्या होगा, फिर भागता हुआ नजर आएगा। कुछ नहीं कर रहा, क्या हुआ? चलो कैमरा उठाओ। हो गया? हाँ हो गया, आप फॉलो भी करो। चलो साथ। अब पोछा मारेंगे क्या? इसको मैं जगह को धो दूंगी ना अभी, तो ये जगह ओके हो जाएगा सिस्टम। कि अभी इसके अंदर वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर बैठ के, और गीला कर दी। आप गीला ही पड़ा रहेगा वो यहाँ पे। अच्छा सूखना भी है? सूखेगा भी है? नहीं ऐसा ही पड़ा रहेगा। ओ ठीक है। अभी कच्ची बाजी की तरफ मैं फोकस करूंगा ना, तो इतना मारेगी ना मेरे को पकड़ के कच्ची बाजी। ये पता है इतना पानी ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? यहाँ पे ना मैंने सीमेंट का भी काम किया, माल भी बनाया था। हाँ हाँ, ये रेती भी यहीं छानी थी, ये सारी मट्टी यहीं जमा हुई थी, इस वजह से ना यहाँ पे तो पानी के साथ साथ यहाँ पर भी आ गया। हाँ यही। मैं आगे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आगे कीचड़ है बहुत ज़्यादा और मेरे पाँव गीले हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को गीला होने से बहुत एलर्जी होती है। किसी को किससे एलर्जी होती है? किसी को किससे एलर्जी होती है? नहीं यानी कि गीला हूँ मन के हूँ, लेकिन जब बंदा वो होता है ना, हल्का सा एक पानी डाला और सारी मेल फूल जाती है, इस वजह से मैं नहीं गीला होता। ये लोग सूख भी गई जगह सारी। आप बोल रहे हैं सूखेगी नहीं, सूखेगी नहीं, इसको पोछा मार के सुखाना पड़ेगा। लाओ पोछा। चलो अब मैं तो नहीं ला सकता पोछा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो आतिफ, मैंने ओके कर दिया सिस्टम। ओके हो गया सिस्टम। आपका डायलॉग कर दिया मैंने सिस्टम। वीआईपी हो गया सिस्टम। चलो अब क्या करेंगे? इधर सही आ रही बेटा? अंधेरा आ रहा है? नहीं यहाँ पर अंधेरा आ रहा है। अच्छा आतिफ मुझे नहीं भी मुँह से बोलता ना, ऐसे घूमता रहता है, मैं भी साथ साथ घूमती रहती। कोई हमारी शूटिंग देखे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो हाँ यहाँ पर। हाँ सही है क्या बस। चलो जी अभी ना हम लोग कर रहे हैं इस ब्लॉग को एंड, सही है वीडियो को एंड। आप लोग प्लीज़ भरपूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, नए देखने वाले सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को भी जरूर दबा दीजिए क्योंकि ये हमारा शोभा है। हाँ जी ये हमारा मुआवजा भी है और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा मेरी तरह। चलो बाहर पता नहीं कौन आ गया, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ सब्जी वाला, मुर्गी वाला, मछली वाला सब उसी टाइम पे आते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो देखो अभी हम लोग जा रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। मैं आगे इसलिए आया क्योंकि मेरी हालत सही थी कम। चलो होल्ड दिस, देखते हैं बाहर कौन पापड़ दिलाएं। ओह इसको क्या हो गया? पापड़ दिलाएं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ना असल में वो करी थी, आपने ना दूसरे व्लॉग की तैयारी करी थी कि मम्मा का ख़त्म होगा तो कैमरा खाली होगा, मैं बनाऊँगी। हाँ तो अभी ना इंशाल्लाह आप लोगों के साथ व्लॉग दूसरे में शेयर करूँगी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। चलो बेटा व्लॉग हो गया एंड। और मेरे को ऐसा करना बहुत ज़्यादा याद आ रहा है क्योंकि हम लोग मेरे को वीडियो से आज बहुत ज़्यादा दिल लगी हुई है। जब मैं साफ हुआ होता हूँ ना तब से मेरे को वीडियो से बहुत ज़्यादा दिल लगी है। आतिफ बेटा बंद कर दो, मैं दूध उबालूँ। ओह चलो बेटा बंद कर, चलो दूध उबालने की वीडियो दिखाते हैं। चलो अल्लाह हाफिज़।